हेलो फ्रेंड्स, आज हम बड़े साइज का रोटी कवर बनाएंगे। इसमें रोटियों को रखने पर काफ़ी देर तक सॉफ्ट और गर्म रहती हैं। तो कपड़े का एक पीस मैंने लिया है, इसे 9x9 में मैंने कट किया है। 9 इंचीज की लंबाई है और 9 इंचीज की चौड़ाई है। ऐसे दो पीस मैंने लिए हैं। इसे हमें किसी भी गोल साइज़ की प्लेट से चार साइड से निशान लगाकर कटिंग कर लेना है। दोनों पीस की कटिंग हो गई है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। नीचे मैंने एक कॉटन का कपड़ा रखा है, उसके ऊपर फोम है और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब कोई भी एक पीस को लेंगे और इसमें एक जगह पर निशान लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से नापना शुरू करेंगे, इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए, और जितना भी आएगा उसमें एक इंच बढ़ाकर हमें साइड की स्ट्रिप बनानी है। जैसे 28 आ रहा है तो हमें 29 इंच की स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और इसकी लंबाई 29 इंच है। अब इसमें से 5 इंच का एक पीस हमें कट कर लेना है, तो 5 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। पाँच इंच का पीस मैंने निकाल लिया है। और बाकी जो स्ट्रिप बची उसमें से एक इंच की स्ट्रिप मैंने कट कर दी है। ऊपर से इसे एक इंच की चौड़ाई लेते हुए कट कर दिया है। देखिए, पूरी स्ट्रिप 5 इंच की थी और एक इंच इसमें से मैंने इस तरह से कट कर दिया है इसमें चैन लगाने के लिए। तो चैन भी हमें 29 इंच की लेनी है। इसे उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे ऑर्गेनाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज का है, उसमें कोई भी सामान भी रख सकते हैं। तो सिलाई करने के बाद अब इसमें हमें किनारे किनारे टॉप स्टिच लगानी है। तो पूरी लंबाई में टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जो दूसरा पीस है उसे इस तरह से हमें चैन के ऊपर रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तब इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसमें दोनों साइड से मैंने एक एक रनर डाल दिया है, दो रनर डाले हैं। अब जो 5 इंच वाले पीस की हमने कटिंग की थी उसे लेंगे और इस तरह का सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसमें टॉप स्टिच पे लगा लेंगे। जिप वाली स्ट्रिप थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसे भी कटिंग करके बराबर कर लेंगे। अब कोई भी एक पीस हमें ले लेना है। इसमें हम इस तरह से स्ट्रिप को रखकर चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो स्ट्रिप को हमें खींचना नहीं है, बहुत आराम से इसे इस तरह से धीरे धीरे मिलाते हुए सिलाई करना है। अगर स्ट्रिप की लंबाई ज़्यादा होगी तो बाद में इसे कटिंग करेंगे। तो देखिए, सिलाई हो गई है। अब यहाँ साइड से दोनों को हमें मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब जो दूसरा पीस है उसे हम ऊपर से रखेंगे और पहले इसे पिनअप कर लेंगे, उसके बाद इसमें पूरे गोलाई में सिलाई चला लेंगे। सिलाई हो गई है। अब जो खुली हुई सिलाई है उसके ऊपर हम कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे। तो कपड़े की एक स्ट्रिप को लेकर पहले एक साइड से सिलाई लगा लेंगे,
उसके बाद इसे पलट कर एक बार और सिलाई करेंगे तो खुली हुई सिलाई कवर हो जाएगी। तो ये देखिए पाइपिंग लग गई है, अब इसे सीधा करेंगे। इसमें हमें हैंडल लगाना है। तो देखिए हमारा ये रोटी कवर तैयार हो गया। इस पर आप ढेर सारी रोटियां रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे मेकअप ऑर्गेनाइजर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सामान आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये ऑर्गेनाइजर बना है। तो अब इसमें हम एक हैंडल लगाएंगे जिसे आप पकड़ कर इसे हम कैरी कर सकें। तो 8 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है, दोनों साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए स्ट्रिप बन गई है। अब फ्लैप में इसे हमें इस तरह से रखकर पहले अंदर किनारे वाली साइड को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारा सुंदर सा रोटी कवर बनकर तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।